हाय, इतनी मेहनत हुई यहाँ तक आने के लिए। सो गाइस देख लो, ले रह गया 171 ओनली। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। सो कैसे हैं आप सभी? होप यू गाइस अच्छे होंगे। आज है हमारा डे 4 और आज हम हैं द्रास में। अब द्रास से हम लोग निकलने जा रहे हैं दोस्तों ले के लिए। बाकी का जो प्रीवियस वाले ब्लॉग थे भाई, कल वाला जो ब्लॉग आपने देखा है डे 3 वाला, सीरियसली बहुत एडवेंचरस था बिकॉज बारिश थी, सिलस था और काफ़ी कुछ एडवेंचर करा। गाड़ियों की हालत इतनी गंदी हो गई है ना भाई कि क्या मैं बताऊँ आपको। आपको बाइकें दिखाता हूँ पहले, कहाँ पार्क है भाई। सारी रात बाइकें कहाँ पार्क करेंगे। ये देखो सामने के आप नज़ारे एक बार देख लीजिए भाई। देखो ये है द्रास और इंडिया का सेकंड ये टॉपेस्ट ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा इंडिया में कूलेस्ट सिटी में आता है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा है ये। रात में भी काफ़ी अच्छा टेम्परेचर गिर गया था तो इसके लिए हम लोगों ने ये रूम हीटर ले लिया था। यहाँ पर ये अभी भी चल रहा है। ये बैग्स वगैरह रखे हैं और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अभी क्लाइमेट देख लो दोस्तों, अभी गाड़ियाँ वार्म अप करने लगा दी हैं। प्रथम ने अपनी गाड़ी वॉश करा ली है, मैंने कराई नहीं है बिकॉज लेह लद्दाख में गंदी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो कितनी गंदी लग रही है, एकदम है खतरनाक। तो अभी इसका इंजन ऑयल में एक बार चेक कर लूँगा। बाकी का ये सामने वेदर देख लो, और ये हम खड़े हैं अब निकल रहे हैं भाई हम यहाँ से लेह लद्दाख के लिए। और टाइम मैं आपको एक बार अगर बताऊँ तो थोड़ा लेट हो गए, 12:07 में फिर देखते हैं। 20 किलोमीटर है, 5 पॉइंट कुछ मतलब 6 आवर हमारे लगने वाली है गूगल माता के लिए। तो देखते हैं लेट से कितना टाइम लगता है। मैं से कोई भी आना चाहता है तो ये वाले भाई मिलेंगे। अगर आप में से कोई आना चाहता है, द्रास में आ रहा है तो सच बोलूँ ना गाइस, फंटास्टिक क्वालिटी है सब, साफ सफाई से लेकर के खाने पीने की। और भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और भाई का नाम आपको बता रहा हूँ और लोकेशन ये बताएंगे आपको सारी। बताइए द्रास एरिया में पड़ता है, मेन मार्केट में है सेकेंडरी के अपोजिट। ओके आपका नाम क्या है? जावेद अफ्ताब। नंबर बता दीजिए 9622534360। जैसे कोई आना चाहे बाहर से पहले से प्री बुकिंग करे कर लेंगे ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई यहाँ आ रहा है तो कुछ अमाउंट डायल करके भाई से आप प्री बुकिंग ले सकते हैं, जिससे कि अब सीजन टाइम इससे आगे सीजन टाइम आने वाला है तो व्यस्त रहेगा क्योंकि 3-4 महीने का मेरे ख्याल में सीजन होता है। तो अगर आप में आ रहे हैं तो इतना ही कहूँगा भाई, सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। गीजर वगैरह सब फर्स्ट क्लास मिला और सर्विसेज टॉप नॉच थी भाई। अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर के इधर जरूर आने का। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ले के लिए। टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, दोनों गाड़ियाँ रेडी हैं और ये होटल था जैसा कि मैंने आपको बता दिया और स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया। अगर आप आ रहे हैं तो भाई मेक श्योर के यहाँ एक बार ज़रूर से रुकना। ये टाइट कर लेता मैं अपने नी गार्ड वगैरह। और ये भाई था भाई, भाई ने भी अच्छी सर्विस दी और सब कुछ अच्छा था। ग्लव्स चलते चलते यार फट गए हैं, देखूंगा कहीं ले मार्केट में अगर ग्लव्स मिल जाते हैं तो ले से ग्लव्स ले लूँगा। बाकी गाड़ी का एक बार हाल देख लो, कितनी एग्जॉटिक गाड़ी हुआ करती थी अभी कितनी गंदी। कोई बात नहीं, इसको डिटेलिंग फुल ले करके जाएंगे जैसे हम लोग आगरा पहुँचेंगे ना, तो इसको स्पेशल वाला ट्रीटमेंट देंगे। चलो जी निकलते हैं यहाँ से भाई फुल पावर। सो भाई यहाँ से निकलते हैं और काफ़ी सही रहा भाई एक्सपीरियंस, वाज वेरी ग्रेट वेरी ऑसम। और होप कि एंगल वगैरह ठीक आ रहा हो आप लोगों को बढ़िया सा। और आज वाले ब्लॉग में भी दोस्तों आपको फुल पावर सपोर्ट करना है, फुल पावर। आप लोग देख लो सामने का व्यू नज़ारे। और हम निकल चुके हैं इस समय भाई द्रास से लेह के लिए, अभी करगिल भी जाएंगे। यहाँ से पेट्रोल ले लेंगे पहले। लेह में तो फ्यूल स्टेशन होंगे काफ़ी? हाँ भैया बहुत सारे। और पेंगोंग लेक की साइड जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे ना? पेंगोंग लेक और बढ़िया, तो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। एस टाइप भरवा देता हूँ गाइस, बस 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 रोक दो। तो ये फुल भरा दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिए। बाकी का भाई अभी यहाँ से निकलेंगे भाई। कितने का हुआ भाई? 5559 भाई, बहुत सही माइलेज आया भाई गाड़ी का यार। पेटीएम कहाँ रहे यार, लुक कर दीजिए। थैंक यू भैया। ठीक है भाई, गाड़ी बहुत सही चल रही है यार, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे। देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, बिल्कुल स्पीड पकड़ के चल रही है यार, बिल्कुल डाउन नहीं कर रही आरपीएम को। बाकी का ऊपर स्नो है पूरा, बर्फ बर्फ हो रखा है। कितना सही पास बनाया है यार, एक बार इस पे क्या फोटोग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग।
क्या इस साइड से ही रास्ता है? हाँ है तो है शायद। भाई एक आध फोटोग्राफ निकाल लेता हूँ, सही रहेगा। एक फोटो के लिए आया हूँ गाइस मैं इतनी जगह पर, बताइए। चलो भाई ये फोटोज़ आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी, जाके चेकआउट कर लेना। एक बार ये रिवर देखो भाई, कितना क्लीन पानी है यहाँ पर। मेरे यार ये फिर से डिले हो गए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई इसको टाइट करता हूँ। रोड्स देखिए गाइस किस लेवल पर सुंदर हो रखे हैं भाई, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप ये देख लो, ये सामने रिवर बह रही है, कितनी सही लग रही है। चेक करो गाइस एक बार व्यू चेक, ये पत्थर इधर रिवर, ये पत्थर इधर रिवर, इधर बारिश हुई है शायद। भाई साहब कितना सुंदर, ये देखो कारगिल रह गया है 7 किलोमीटर ओनली। कारगिल के शहर में लोग देख रहे हैं, कोई बढ़िया मिल जाए भाई खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था तो अपनी कर लेंगे, फिर पूजा सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसी रोडों पे चलना है दोस्तों हमें ले तक जाने के लिए, तो जो ले का रास्ता ये देखिए सीधे लिखा हुआ है, ले 225 किलोमीटर है, सीधे जाना है हमें बिल्कुल स्ट्रेट। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, अभी टाइम का भी मुझे आइडिया नहीं है, तकरीबन 4 बजे के आसपास का हो रहा होगा दोस्तों टाइम। तो 225 किलोमीटर ऐसे रोड से लगभग 7 घंटे का टाइम तो मान के चलना यार, इससे कम तो नहीं लगने वाला। और डोमिनार काफ़ी परफेक्ट बाइक है, चाहे आपको लीन मानना है चाहे कुछ भी करना है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत सही लग रहा है मेरे को इस बाइक पर। कंफर्टेबल मेन बात, इट्स वेरी कंफर्टेबल यार, 6 गियर में मैं चला रहा हूँ इस समय। ये देखो लीन, कितने ज़्यादा टफेस्ट लीन आ रहे हैं दोस्तों इस वाले रूट पर। अब पूरा ऐसा लग रहा है रेगिस्तान वाला है, मिट्टी मिट्टी के पूरे पूरे पहाड़। भाई यार सपना पूरा हो गया, आज हम पहुंच रहे हैं फाइनली लेह लद्दाख। अब आएगा भाई फुल पावर मज़ा। प्रथम काफ़ी पीछे है और मेरे सर में हेडेक होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक, मतलब ठीक से कुछ नहीं खाया है, बस बहुत हल्का फुल्का खाया है। तो चलते हैं भाई, कार भी कितनी मस्त लीन मार रही है यार, ये देखो। अब मेरे को है ना लीन तो मैं पूरा लेटा दूँ, क्रैश गार्ड का नीचे वाला पॉइंट ज़मीन पे आने का डर रहता है। ये जो गोल गिट्टियाँ आती हैं ना, बस इससे बचना चाहिए हमें, जो छोटे छोटे कॉन्क्रीट होते हैं उस पर से आपकी गाड़ी मोस्टली चांसेस होते हैं स्लिप कर जाए यार। प्रथम ने डायमोक्स और खिला दिया, तो उस वजह से क्या हो रहा है भाई प्यास लग रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भाई पानी का सोर्स बढ़ाती है, उसके बाद में आपको टॉयलेट भी ज़्यादा आएगा, तो ये दोनों ही चीज़ होने वाली है आपके साथ। अब मेरे साथ में ये दोनों ही चीज़ें हो रहे हैं, तो बस देखना पड़ेगा भाई, बार बार सूसू करना पड़ेगा, बार बार पानी पीना पड़ेगा, फिर प्यास लग रही है भाई। ऑक्सीजन किससे बढ़ता है? वाटर से ही बढ़ता है लेवल से, तो पानी का सोर्स बढ़ा देती है और वैसे ही भाई पानी निकलता भी है सूसू के थ्रू। कितने सारे बच्चे, भाई यार ये भी तो है ना इंसान है, बता ये परेशान हो जाते होंगे उस समय में। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जब ये 3-4 महीने सीजन के होते हैं तब तो इनको मुसाफिर दिखते रहते हैं, राइडर्स दिखते हैं, ठीक है, बाकी का और क्लाइमेट पे कहाँ दिखते होंगे यार। कुछ होगा इनका स्कूल वगैरह का बच्चों का यहाँ। ये गई भाई, ये देखो जमीन तक, ये देखो भाई ग्राउंड तक एकदम, ये देखिए। ओ भाई
कितनी हाईएस्ट लीन ले पा रहा हूँ मैं इस पर। देखो ये वाइट लाइन के मुझे उधर नहीं जाना था, अभी कार आ रही थी ना इसलिए मैंने ब्रेकिंग किया। हाय, अभी आपने वीडियो बनाया था ना, मेरा चैनल है। एक मिनट, ये मेरा स्टिकर है। व्हाट्स योर गुड नेम? ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ नहीं मैंने देखा ना, अगर कोई वीडियो बनाता है तो अच्छा लगता है। ओके ओके भाई, अच्छा लगता है ऐसे प्यार बांटने में, बटोरने में। और है क्या, रखा क्या है भाई? बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। भाई कैसे भी ले पहुंच जाए, उसके बाद आ जाए कितनी बारिश, कोई दिक्कत नहीं है। ओए ओए कितना फास्ट लीन है, देखो गाइस। भाई मजा आता है इस पर, और क्रैश गार्ड लगने से है ना वजन बढ़ गया है तो और ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस देख लो, ले रह गया है 171 ओनली, और हम लोग भाई मस्त चल रहे हैं। ठंड हो गई है ना इस नेक्स्ट लेवल की हो गई कि भाई बस हालत ख़राब पड़े हुए हैं यार। यार कैमरे को भी क्या हुआ, आदत हो गई है यार, बंद हो रहा है बार बार। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ये हरकत तो दिखाती हैं चीज़ें भाई ऐसे ऐसे हाई अल्टीट्यूड में आकर। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, लद्दाख ईजी नहीं है मेरे भाई, ये देख लो। चलो इस लाइन के अंदर ही रहना है। अब ये देखो ऐसे जिगजैग करके रोड गया है ना, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। देखो एबीएस कुछ नहीं कर पा रहा है, मैंने पूरे ब्रेक लॉक कर रखे हैं, कुछ नहीं कर रहा है एबीएस, किसी काम की दवा नहीं बन रही। तो जहाँ पर अगर आपके स्किल्स नहीं हैं और अगर आपने भगा ली तो भाई ये नहीं रुकने वाली, ये बिड़ेगी। कोई सी भी गाड़ी हो, यहाँ चाहे ड्यूक हो चाहे ये हो, सिर्फ आपको गियर की डाउन शिफ्टिंग और इंजन ब्रेकिंग से ही काम चलाना होगा। जैसा अब यहाँ आए ठीक है, इसी लाइन में मान लो मेरे को चेंज करना है तो मैंने हल्का सा ब्रेक टैप करके ले लिया, अगर मुझे हाई स्पीड में करना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रुकिए, एक डाउन शिफ्ट ठीक है, ये लीन मारा मैंने। देखो अब ये पूरा रोड यू शेप में मुड़ा हुआ है और रोड बाउंस ही हो रहा है ना, तो उसका भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है यार। देखो लीन कितने प्यार से गया, पूरा ही पूरा लीन था।
ये गई भाई इस लाइन के अंदर ही लीन है। ठीक है, कितना लेटा हुआ है गाड़ी ये देखो। अगर आपने यहाँ गाड़ी चलाना सीख ली तो आप कहीं फेल नहीं होगे। बट इससे ज़्यादा टफ है भाई मनाली। मनाली वाला सर्किट मैंने किया है आधे से ज़्यादा, मुझे पता है। ये रोड बहुत लाख गुना बढ़िया है बट उसका बहुत डेडी इस टाइप का रोड है यार। कंडीशन देखो गाइस कितनी ज़्यादा टफ है। इस समय ठंड हो गई है बहुत भयंकर वाली है। बाहर बाइक मेरी पार्क है, प्रथम पीछे रह गया है। भाई से मैंने पानी मांगा है, गर्मा गर्म पानी ला करके दिया है। और अभी यहाँ लेंगे ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी जो भी है, तो उससे थोड़ा बहुत एनर्जी बनेगी। हाथ देखो, हाथ पूरे रेड हो गए हैं ग्लव्स व्लव्स लगने के बाद में भी। भाई बिल्कुल बिल्कुल रेड, मतलब फ्रीज है। समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। और स्नो गिर रही है पीछे, बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंडीशन है। अभी भी 120 किलोमीटर बता रहे हैं भैया ले रह गया है। और भाई लीन मार मार के मैं तो परेशान हो गया हूँ। प्रथम भी आ गया, वो दिख रहा है, ये आ गया प्रथम। भाई साहब हालत ख़राब हो गए होंगे इसके भी, देखो। सो गाइस घुसते हुए रोड से बहुत मशक्क़त करते हुए ले अभी रह गया है आपका 37 किलोमीटर। और हम रुके थे एक अपने आगरा के भाई हैं अलवर के, उनके यहाँ कुछ खाने पीने के लिए। और टेम्परेचर अभी आप देख लीजिए, अभी तो और जाएगा, क्लाउडी है, -4 से लेकर -5 तक जाएगा अभी थोड़ी देर में। दे रखा है अभी 1 डिग्री तो अभी हो रखा है। और 1 डिग्री में अभी हम जो आगरा में कपड़े पहनते हैं जाड़े में नॉर्मल, उसी से सर्वाइव कर रहे हैं। और ये है कि भाई प्रथम कैसा लग रहा है, पास लगा के देखो। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी होटल में। और ये हमने लिया है 2500 के अंदर में विदाउट, इसके अंदर अला कार्ड चलता है, इसमें अला कार्ड है। कितने रुपए का प्रथम? 250 रुपीज़ का अला कार्ड है, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट सुबह का मिल जाएगा। क्या तो और सब बढ़िया रहा भाई, सो फार सो गुड। अभी तकरीबन 11:30 हो गए हैं, ले सिटी में हम लोग एंटर कर गए हैं। और एनर्जी लेवल आप देख रहे होंगे अच्छा नहीं है, डाउन हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत गाड़ी चलाई है, बहुत टफेस्ट रास्ता था। लद्दाख इजी नहीं है इतना कहूँगा। अब जाएंगे लेह से खरदुंगला या पेंगोंग लेह। ठीक है,